इधर जगदलपुर में रेडी टू ईट वितरण को लेकर महिला स्वसहायता समूह और बीज निगम के बीच चल रहे विवाद के बीच बच्चे पिस रहे हैं। दोनों की लड़ाई के चलते छोटे बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। स्वसहायता समूह और बीज निगम के बीच उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई चल रही है और उसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र में मासूमों को बीते 2 महीने से पोषण आहार नहीं मिल रहा है। बस्तर संभाग के लाखों बच्चे रेडी टू ईट जैसे पोषण आहार से वंचित हैं। बस्तर जिले की अगर बात करें तो यहाँ 119 आंगनबाड़ी केंद्र में 80,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं जिसे रेडी टू ईट भोजन पोषण आहार नहीं मिलने से इन बच्चों को गर्म भोजन दिया जा रहा है। ऐसे में बस्तर से कुपोषण कैसे दूर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बस्तर जिले में 1981 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है और पहले मैं बच्चों के संख्या के बारे में उसमें प्रकाश डाल देता हूँ। ओवरऑल जो है हमारे पास 86,224 बच्चे जो है ये आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज है और लगभग 80,000 बच्चे उसमें लाभान्वित हो पाते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत कम बेसी भी हो जाता है। और कुपोषण की जहाँ तक की बात है, यदि हम MPR के आधार पर चलें तो 20% बच्चे अभी भी कुपोषित हैं और इसको दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में अतिरिक्त आहार दिया जा रहा है, परंतु अभी ये अप्रैल महीने में ये रेडी टू ईट जो वितरण होना चाहिए था वो वितरित नहीं हो पा रहा है। बीज निगम के द्वारा वितरित किया जाना है, फिर बीज निगम ने कुछ जगह सामान ला करके भी दे दिया और छत्तीसगढ़ शासन से ये आदेश हमें नहीं मिल पाया है कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना है। अभी हाई कोर्ट में प्रकरण लंबित है, जब तक उसका डिसीजन नहीं आ जाए तो सामान को क्या करना है, इसलिए रेडी टू ईट का वितरण जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं हो पा रहा है।